उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक चूड़ियों की खनक नहीं होती। जब तक औरत जिंदा है जब तक चूड़ी मेकअप और हर चीज चले। जनाब इस वक्त हम मौजूद है कराची के एक तारीखी बाजार जामा क्लॉथ में और उसकी चूड़ी गली है जहाँ पर मुख्तलिफ इकसाम की चूड़ियाँ मौजूद हैं। खवातीन अपनी ज़ेबाइश के लिए मुख्तलिफ इकसाम के ज़ेवरात का इस्तेमाल करती हैं जिसमें झूमर, टीका, ताज, बालियाँ, अंगूठियाँ और दीगर ज़ेवरात जो है वो इसमें शामिल हैं। और यहाँ पर मेरे कपड़ों की मैचिंग की भी चूड़ियाँ जो है वो तैयार हो गई हैं और ये हैं मेटल की चूड़ियाँ। तो जनाब ने चूड़ी वाले भाई ने हमें मेटल की चूड़ियों का सेट बना के दिया है जिसमें मेटल भी है और मोती वर्क भी हुआ हुआ है। मैं आपको बताऊं कि चूड़ियों को जो है वो सकाफती हमारे सकाफत में एक जज्बाती अहमियत भी हासिल है। सस्ती चूड़ी जो है वो 60 रुपए की आती है 12 दर्जन के हिसाब से। वो होती है कांच, वो रेशम चूड़ी के लगती जो हमारी वालदा और दादी वगैरह पहना करती थी पिछले ज़माने में, वो वाली चूड़ियाँ। उसके बाद आजकल जो है वो ये शिमर है, ये 250 की दर्जन है, ये 150 की दर्जन है, ये 200 की दर्जन है। सबसे महंगी चूड़ी इंडियन होती है वो लगी हुई ऊपर, वो 450 की दर्जन है सारी चूड़ियाँ। फिर इसके अलावा ये गोला चूड़ी कहलाती है एक, वो ये भी बहुत ज़बरदस्त चूड़ी है। ये राजस्थानी चूड़ी स्टाइल होता है इसका गोला, इसमें शेड आते हैं कुछ मखसूस किस्म के, 3 शेड आते हैं खाली। इसके अलावा मेटल में आती है प्लेन चूड़ी आती है, फिर डॉट आती है। चूड़ियाँ नहीं पहनती खवातीन, जिसका मुतबादिल है ये खूबसूरत मजबूत के कड़े और ये बड़े नफीस से कड़े होते हैं। अगर आप देखें तो बड़ा जड़ाव का काम इस पर होता है। मेरा नाम अर्फा है और मैं ईद की शॉपिंग करने आई हूँ, लाइक चूड़ियाँ यहाँ पे लेने आई हूँ। और लाइक एज मुझे कोई लाइट से मतलब रेड से कलर चाहिए थी तो मैंने यहाँ पे देखा। लाइक वैसे तो ग्लास की बहुत चूड़ियाँ होती हैं बट लाइक मेटल की बहुत अच्छी वैरायटी है यहाँ पे और प्राइस बहुत कम है, 180 दर्जन है तो बहुत अफोर्डेबल है आज के लिए। सारी तैयारी मुकम्मल हो जाने के बाद सिर्फ खवातीन की जो तैयारी रह गई है वो चूड़ियों की तैयारी रह गई है। तो कसीर तादाद में खवातीन यहाँ पर आई हुई हैं और चूड़ियों की जो है वो खरीदारी में मशरूम है। चूड़ियाँ लेने आई हूँ, बहुत कम दिन रह गए हैं और ये मेरी खरीदारी रह गई सिर्फ चूड़ियों की। अभी खरीदारी करके मैं घर जाऊंगी, इसलिए चूड़ियाँ बहुत ज़रूरी है और मैचिंग भी खास कर ज़रूरी है। तो ये है कि ये बिना चूड़ी के तो गुजारा नहीं है, चूड़ी मैं ज़रूर लेकर जाऊंगी। खवातीन का ये कहना है कि जब तक उनकी मैचिंग की चूड़ियाँ नहीं मिल जाती तो रात गए तक खवातीन की जो खरीदारी का सिलसिला है वो जारी रहेगा। और अगर हम बात करें तो चूड़ियाँ जूड़े का एक ऐसा जूस है जो हर उम्र की खातून दिलचस्पी के साथ खरीदती है और अपनी कलाइयों में सजाती है और इसी के साथ ईद के रंग भी चूड़ियों के बगैर फीके से होते हैं।